हम लोगों को लगा नहीं कि ऐसा होगा उसके साथ, कुछ भी हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा। एक पल में बिल्कुल आंख नम हो गई हम जी। हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे, कहीं भी साथ यादी में घूमने जाते थे, साथ में ही जाते थे। हमारे हमारा दोस्त है वो, और बहुत अच्छे से व्यवहार था उसका, मिलते जुलते थे हम लोग। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मराज दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। लगातार हम सेमरा गोपाल मन यानी मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसी नगर थाना के गांव सेमरा गोपाल मन में हैं, और एक नौजवान की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है। ये जो नौजवान था जिसका नाम कृतेश पटेल है, जो तकरीबन 18 साल जिसकी उम्र है, ये बहुत मिलनसार लड़का था, तीन बहनों में इकलौता भाई था, और इसके जो दोस्त हैं उनकी आंखों में भी आंसू है, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर भी था, क्रिकेट अच्छे से खेलता था, लोगों से अच्छे से बात करता था, बहुत बेहतरीन व्यवहार था। हम कुछ दोस्तों से बात करते हैं, क्या आप साथ में खेलते थे क्रिकेट? जी, हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे, कहीं भी साथ यादी में घूमने जाते थे, साथ में ही जाते थे, और बस अच्छा हंसमुख था, ना उसको कोई दुख था किसी चीज़ का, ना वो ये सोचता था कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं था, बिल्कुल हंसमुख आता था, जाता था, मिलता था, बस यही था। पर ऐसा हम लोगों को लगा नहीं कि ऐसा होगा उसके साथ, कुछ भी हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा। एक पल में बिल्कुल आँख नम हो गई हम लोगों जी। हमारे हमारा दोस्त है वो, और बहुत अच्छे से व्यवहार था उसका, मिलते जुलते थे हम लोग क्रिकेट खेलते जी, क्रिकेट खेलते थे साथ में। अमोल क्या आपके साथ भी रहा है? हाँ ठीक बता। इसमें शासन की गलती है, शासन की नहीं है, इसमें गलती है थाना जयशनगर की। इन लोगों ने पैसा ले लिया, उस लड़के की डाली, लातों से मारा, चाटा से मारा, पूरा सिस्टम गड़बड़ कर दिया। ठीक है, उन लोगों ने नहीं मालूम कितना पैसा ले लिया, नेता ही क्या, तो नेता ने भी कहा है, थाना बिक गया जयशनगर थाना उधम सिंह करैया जयशनगर। तो हम फिलहाल दोस्तों से मुखातिब थे, अभी भी चक्का जाम लगा है, लेकिन लोगों से यही गुजारिश है कि पुलिस में अब जुडिशियल जांच की जो है अनुशंसा हो गई। जुडिशियल जांच माने मजिस्ट्रेट जो जज हैं वो इसकी जांच करेंगे, और जब जांच की जो है, किसी भी जांच में वक्त लगता है, और वक्त के साथ जो जांच रिपोर्ट आएगी उसमें ये पता चलेगा कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी रही। फिलहाल प्राथमिकी के आधार पर जो समझ में आता है उसमें निश्चित तौर पर पुलिस की बहुत बेजा इसमें लापरवाही है।